आपको हम लोग इसे रिपोर्ट भी मंगाएंगे और कड़ी कार्रवाई जी। क्या इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये अपना युवा मोर्चा की तरफ से भाई आईडी कार्ड देगा। ऐसी घटनाओं में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इनकी मांग से हम लोग सहमत। अब नियमों के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, कितनी कड़ाई बरती जा सकती है और जो लोग पकड़ पे नहीं आए उनकी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए और उनको जो भी नियमानुसार कार्रवाई है दबाव डाल के न्यायालय तक पहुंचाना है, ये राज्य सरकार का काम है। देने वाला ये दुष्कर्म की घटना है, ये बिलासपुर महामंद गांव की घटना है। इसमें एक नाबालिग जो हमारी बेटी है उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी हत्या कर दी गई। उसके गले को जो बिजली का तार होता है उसे घोड़कर उसको मार दिया गया, उसके मुंह में जो पत्ते होते हैं उसको ठूस दिए गए। बहुत ही जितनी इसकी निंदा की जाए वो ये घटना उतनी ही बर्बरतापूर्वक है। आज इसलिए हम लोग शासन प्रशासन से मांग करने आए हैं और माननीय विधि मंत्री जी से हम लोग मांग करने आए थे कि आप जल्द से जल्द इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी निर्माण करें ताकि एक माह के अंदर जो दोषी हैं उनको कहीं ना कहीं फांसी की सज़ा तक हम लोग पहुँचा सकें। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि शासन का काम भी है कि हम जल्द से जल्द ऐसे जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसके फांसी के फंदे तक उनको पहुँचवाएंगे। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आज माननीय मंत्री जी से मुलाकात किए हैं। देखिए बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हम लोग को आश्वस्त किया गया है और हम लोगों ने गांधीवादी रूप से आज एक ज्ञापन देकर अपनी बातों को अवगत कराया है। नहीं तो ये तो हमारा जो देश है स्वतंत्र भारत है, इसमें हर कोई को मौलिक अधिकार है अपना विरोध करने का। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हमारी बहन को लड़ने के लिए आजाद अजीत जोगी युवा मोर्चा वो हमेशा लड़ाई लड़ती है और आगे भी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेगा। अगर ऐसा कोई जल्द से निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम लोग इसमें बुक बड़ा उग्र आंदोलन भी करेंगे।